तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल है, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। तो आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की जो ये वीडियो होने वाली है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये बेसिकली फाइवर के गिग के इम्प्रेशन किस तरह बढ़ा सकते हो आप। ये मतलब कोई थर्ड पार्टी ट्रिक नहीं है, आप इसको एक ऑर्गेनिक तरीके से यूज़ कर सकते हो। अपने जो गिग है उनको एनालाइज कर सकते हो, और उनके जो इम्प्रेशंस है और उनके जो क्लिक्स है और उनके जो ऑर्डर्स है, यानी कि इम्प्रेशंस जब आएंगे तो ऑटोमेटिकली क्लिक्स भी आएंगे, ऑर्डर भी आएंगे और कैंसिलेशंस तो आपके गिग के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कुछ मैं आपको प्रोफाइल दिखा देता हूँ जो मैंने ये प्रोफाइल अपनी क्रिएट की है। ये तकरीबन कोई मैंने नवंबर 2022 के कोई 7 तारीख को इसको बनाया है, ये गिग, मतलब ये सारे गिग और अकाउंट। तो आप इनमें देख सकते हो काफ़ी गिग्स मैंने डाले हुए हैं इस पर, और यहाँ पे आप ये देख सकते हो क्रिएट एंड सेटअप, यूट्यूब चैनल, लोगो, आर्ट एंड इंट्रो आउट्रो। तो बेसिकली तकरीबन कोई 7 गिग मैंने डाले हुए हैं, जिसमें से ये इंप्रेशंस मैंने कुछ ऑर्गेनिक है और कुछ मैंने ट्रिक लगाए हुए। मैंने इस पर भी ट्रिक लगाया था और जो कि काफ़ी अच्छे इंप्रेशंस आ रहे हैं और क्लिक्स भी आ रहे हैं। तो इसमें भी मैंने लगाया था डिज़ाइन, ये वाले इस पे के 129 इंप्रेशंस है और 18 क्लिक्स मैंने करवाए थे। तो बेसिकली ये किस तरह किया है, मैंने कैसे वर्क करता है, ये सारा कुछ तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो काफ़ी आपको हेल्प देगी। तो आपकी जो इंप्रेशंस है और गिग्स है वो बूस्ट होंगे। तो ज़ाहिर है जब गिग्स आपका बूस्ट होगा, इंप्रेशन उस पर अच्छे आएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको क्लिक्स एंड ऑर्डर्स आने लग जाएंगे। तो ये किस तरह करना है, तो आपने क्या करना है कि अपने गिग की जो भी गिग होगा उसका लिंक कॉपी करना है। लिंक तो आपको पता ही होगा किस तरह कॉपी करना है। तो बेसिकली मैं यहाँ से इस तरह लिंक इसका कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से जैसे ही मैं अभी को लिंक को कॉपी करूँगा, तो आपने एक अनदर वेबसाइट्स जो होगी, मतलब अदर वेबसाइट, तो उसमें आ जाना है। तो यहाँ पे मैंने एक मतलब एक न्यू जो बोलते हैं प्रोफाइल, उसमें आ जाना है। और यहाँ पे आपने आके एक VPN कनेक्ट करना है। VPN इसलिए कनेक्ट करना है कि ताकि फाइवर को ये ना लगे कि एक ही IP से और एक ही नेट से ये क्लिक्स दिए जा रहे हैं, तो ये एक स्पैमिंग में काउंट होगी और आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट भी हो सकता है, यानी कि आपके अकाउंट को ख़तरा भी हो सकता है। तो आपने कोई से भी मैंने यहाँ पर टच VPN यूज़ किया है, तो आप कोई से भी VPN यूज़ करके इसको ऑन कर लें यहाँ से। जब ये पहले सक्सेसफुली ऑन हो जाए, उसके बाद आपने यहाँ पर अपना जो फाइवर का लिंक है एंड देन आपने उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे ख्याल से दिस साइट कांट बी रीच, मेरे ख्याल से कोई सर्वर का इशू आ रहा है, तो मैं सर्वर चेंज कर लेता हूँ। सर्वर में यहाँ से कोई और सर, अगर आपके सर्वर में कोई इशू आ जाए, यानी कि ऑन ना हो, तो आप यहाँ से इसको चेंज करके दोबारा इसको ऑन करें एंड देन आपने बैक आना है और दोबारा यहाँ से टाइप करके उसको इंटर कर देना है। तो जैसे ही आप इसको करेंगे, तो आपका गिग ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा अदर IP में, यानी कि किसी और IP में आपका जो फाइवर गिग है वो ऑन हो जाएगा। इसी तरह से आपका जो क्या कहते हैं, ये आपका जो गिग है वो एक उसको क्लिक दिया जाएगा। तो एंड ये तो रहे आपका क्लिक्स, किस तरह आप इस तरह क्लिक्स बढ़ा सकते हो अपने उस पर। तो देखिए, ज़्यादा क्लिक्स आपने देने भी नहीं है, मतलब आप ऐसे लेके चलें कि जैसे कोई 100 के इम्प्रेशन है, तो उस हिसाब से आपके तकरीबन कोई 5 क्लिक्स होने चाहिए। तो इस हिसाब से आपने लेके चलना है सारे गिग्स को आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि दिन में आपने तकरीबन कोई 5 से 10 इम्प्रेशन देने या 40 इम्प्रेशन दे देना है। तो मैं क्या करता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता बूस्ट करता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे बूस्टिंग देता हूँ, ताकि फाइवर को भी ना लगे कि ये जो बंदा है ये फेक काम कर रहा है, स्पैमिंग कर रहा है। तो अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता लेके चलूँगा, तो फाइवर को लगेगा कि हाँ, ये बंदा वाकई ये इसको इम्प्रेशन मिल रहे हैं और डे बाय डे ग्रो कर रहा है। तो इसी तरह मैं मेरा जो गिग है वो ऑटोमेटिकली सर्च पे और क्या कहते हैं वो टॉप पे आने लगेगा। तो बेसिकली ये तो रहा ये ट्रिक, एंड दूसरा ट्रिक मैं जो आपको बताऊंगा
मैं उसका भी मैं आपको बता दूंगा कि वो किस तरह से आपने करना है। तो वो बेसिकली आपने कुछ यूँ करना है कि जैसे कैसे एक मैंने आपको यहाँ पे एक टूल दे दूंगा, यहाँ पे मेरे पर टूल पड़ा हुआ है। ये टूल आपने फाइवर क्विक व्यू या आपने एक्सटेंशन पे आपने लगा देना है अपने क्रोम के एक्सटेंशन में। तो मैं बेसिकली यहाँ पे अभी सर्च कर लेता हूँ। और ये जो टूल है ये भी आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। बेसिकली आपको ये हर चीज़ करके दे देगा, यानी कि जो भी आप अपने फाइवर में, यानी ये आपको कोई टैग्स वगैरह चाहिए, कीवर्ड्स चाहिए, टाइटल्स चाहिए, और वो गिग्स निकाल के इजीली दे देगा। मैं आपको इसका एक वो भी दे देता हूँ। तो मैं बेसिकली ये रहा एक, ये आपने अपने क्रोम में इसको अटैच कर लेना है। तो ये रहा फाइवर क्विक व्यू, तो आपने इसको अटैच कर देना है क्रोम के साथ। तो आपको बेसिकली पता होगा किस तरह से अटैच करते हैं। उसके बाद आपने फाइवर में आना है और फाइवर में आके यहाँ पे आपको इसको ऑन कर लेना है। तो ये आपको इस तरह कुछ इसका इंटरफेस आएगा। तो आपने यहाँ से इनेबल क्विक व्यू पे इसको क्लिक करके इसको ऑन कर देना है। और उसके बाद जब ऑन हो जाएगा तो यहाँ पर मैं यहाँ पर अभी जैसे कि कोई गिग सर्च कर लेता हूँ, यही सर्च कर लेता हूँ, ये मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर। तो जैसे ही मैं ये सर्च करता हूँ तो आपके सामने ये सारे जो भी मैंने जो एक्सटेंशन है इसने क्या किया है कि सारे जैसे टॉप ऑफ फोकस कीवर्ड्स मुझे निकाल के दिए, इनेबल गिग्स टैग्स निकाल के दिए ऑटोमेटिकली, यानी कि मुझे इसको क्लिक भी नहीं करने पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सामने आप देख सकते हो। और इनेबल ऑर्डर्स यानी कि ऑर्डर वाले भी कितने ज़्यादा फेवरेट वाले हैं और कितने ज़्यादा सॉर्टिंग बार वाले हैं, तो ये आप देख सकते हो। ये टॉप फोकस कीवर्ड है। अगर आप फाइवर पे न्यू और आपको कन्फ्यूज़न होती है कीवर्ड्स के रिलेटेड और टाइटल के रिलेटेड और काफ़ी चीज़ों के रिलेटेड, तो आप यहाँ इस जो एक्सटेंशन है, ये वाला एक्सटेंशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप यहाँ से जाके इसको ऐड कर सकते हैं। तो वो जब आप ऐड करेंगे तो आपको बेसिकली एक अपने फाइवर के जो अकाउंट है उसमें एक काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। तो ये ऊपर वाले तकरीबन 4-5 कीवर्ड आप अपने फाइवर के गिग में यूज़ कर सकते हो रैंकिंग के लिए। एंड उसके अलावा आप यहाँ पे इसके ऑर्डर्स भी देख सकते हो ऑटोमेटिकली बगैर किसी क्लिक्स के। ये देख सकते हो पेंडिंग में 4 है और 104 ये कर चुका है और 286 लोगों ने इसको फेवरेट में किया हुआ है। तो इसी तरह आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू मिल जाती है। तो ये भी बिल्कुल फ्री टूल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो और इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये तो रही एक टूल की बात। तीसरा जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, तीसरा ट्रिक भी काफ़ी अच्छा है जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा है और मतलब आपको भी काफ़ी बेनिफिट देगा। तो वो बेसिकली क्या है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जैसे कि आपको मैं अभी एक मिसाल के तौर पर जैसे मैंने इसका टाइटल कॉपी करना है। आपका जो भी गिग होगा आपने उसको टाइटल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पर आप जैसे ही पेस्ट करेंगे तो आपका जो गिग होगा, अगर आपका गिग ऑलरेडी रैंक में हुआ तो वो यहाँ पे शो होने लगेगा। अगर शो नहीं हो रहा तो आप उसके साथ, अगर आपका, एक सेकंड मैं आपको दोबारा यहाँ पे इस तरह से आपको कॉपी करके रिफ्रेश करने पहले, तो मैं ये बंद करके, क्योंकि इसके साथ ये वर्क नहीं करता, इसको मैं जो इसको बंद कर देता हूँ, ये सब को बंद करके दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो बेसिकली तीसरी ट्रिक ये है कि आपने अपने गिग की जो ये भी आपको VPN ऑन करके करना है। तो तीसरी ट्रिक ये है कि आपने अपने फाइवर की गिग की जो टाइटल है वो आपने कॉपी करना है और उसके बाद देन आपने यहाँ पे पेस्ट करना है और इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपकी जो गिग होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे भी आपके जो गिग में जो जो मतलब इम्प्रेशन है वो भी काफ़ी इंक्रीज होंगे।
तो मेरे ख्याल से ये जो क्या कहते हैं गिग है ये नहीं आ रही, क्योंकि इसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं कोई और सा गिग देख लेता हूँ अपने प्रोफाइल में। तो यहाँ से मैं जैसे कि ये वाला गिग उठा लेता हूँ। ये गिग मैं जैसे ही निकालूँगा इस पर शेयर भी क्लिक करूँगा और कॉपी लिंक कर दूँगा। उसके बाद सॉरी मैं इसका टाइटल कॉपी करूँगा एंड देन मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा। तो टाइटल मतलब आपका जैसे आपको लग रहा है कि मेरे गिग पे इंप्रेशन बहुत कम आ रहे हैं और नहीं आ रहे, ना के बराबर आ रहे, तो आपने सिंपली उसका टाइटल कॉपी करने, VPN ऑन करने सबसे पहले। तो VPN ऑन करने के बाद आपने टाइटल कॉपी करना है। टाइटल कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने मतलब जो नया प्रोफाइल है उसका उसमें सर्च करना है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो गिग है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आना स्टार्ट हो गया है। तो देखें गाइस, ये बहुत ही बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल ट्रिक है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपके फाइवर पे जो इम्प्रेशंस है, फाइवर के इम्प्रेशंस बेसिकली क्या कहलाते हैं कि जैसे इम्प्रेशंस जो कहलाते हैं वो ये कहलाते हैं, जैसे आपने कोई किसी क्लाइंट्स ने यहाँ सर्च किया कोई कीवर्ड और आपके सामने ये जो गिग नज़र आ रहे हैं ना, ये जितने भी गिग यहाँ पर नज़र आएंगे इन पर इम्प्रेशन जाएंगे एक एक करके। और क्लिक्स उसे कहते हैं कि जैसे मैंने इस गिग पर क्लिक किया तो क्लिक्स उसको मिला है। ठीक है, अभी आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह आपने इसका जो ये ऊपर वाला लिंक है ये आपने कॉपी करना है। कॉपी करके आपने अनदर टैब में पेस्ट करना है। इसी तरह फिर अदर टैब में पेस्ट करना है। तकरीबन आपको ये दिन में कोई एक दिन में कोई 10 दफ़ा, मेरा मतलब कि एक ही दिन में आपने ये 10 से 20 इम्प्रेशन आपने एक गिग में आपको देने हैं। ये आप इसको कॉपी करा जैसे, देन आपने यहाँ पे पेस्ट किया, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस वाला आइकॉन पे क्लिक किया, फिर कंट्रोल वी करके पेस्ट किया, एंटर किया, देन उसके बाद आपने कंट्रोल वी किया एंड देन एंटर किया, फिर उसके बाद आपने एक कंट्रोल वी किया, एंटर किया, देन आपने इसी तरह कोई दिन में 10 इम्प्रेशन आपने लाजमी देने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अपने अकाउंट को एकदम प्रोफेशनली तरीके से, यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से इसको 10 से 15, यानी कि आप देख सकते हो मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसी तरह आप दिन में 11 या 15 या 20 तक आप इसमें इंप्रेशन दे सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आप दोगे तो वो स्पैमिंग में काउंट होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं। तो मिलता है एक नई फ्रेश वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।